नमस्कार, जय माता दी। मैं गीतकार यादव राज और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि जैसे मैं लाइव आया हुआ था तो लाइव तो सब लोग देखे ही होंगे, फिर भी कुछ लोगों को चैन नहीं मिल रहा है। तो भाई मैंने लाइव में भी दिखाया हुआ है और इसमें भी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि वो गाना एक महीना पहले आज से अमेजॉन प्राइम म्यूजिक पर आ चुका था। इस बात को कंपनी ने खुद ही माना है। और सबसे बड़ी बात कि वो मेरा गाना है या उसका जो भी मतलब मैं लिखता हूँ तो गाने मुझसे ज़्यादा अटैचमेंट किसी का नहीं होगा भाई। मैं क्रिएट करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ तो मुझे वो गाना खुद से भी प्यारा होता है। मैं ऐसे अपने गाने के साथ खिलवाड़ कर ही नहीं सकता हूँ। और आज तक कोई गाना ऐसे वायरल नहीं हुआ है, या तो कंपनियाँ gaana.com वगैरह भेज देती हैं, sound.com पे भेज देती हैं, वहाँ से गाना आता है। और ये गाना अबाउट एक मंथ पहले पहले वहाँ डेट आपको दिख जाएगा अमेजॉन प्राइम से। आप जाके सुनेंगे तो आपको डेट दिखेगा, अमेजॉन प्राइम पे आ चुका था। अमेजॉन प्राइम म्यूजिक है वहाँ पे। तो ये गाना जब पोस्टर लॉन्च हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सर्च किया तो उसका लिंक आया अमेजॉन का और वहीं से लोग डाउनलोड किए। और फिर ये जो चमचे लोग हैं ये लोग उसी बात का फायदा उठाए और इन लोगों को लगा कि हम स्क्रीनशॉट एडिट करके और यादव राज के हाँ नाम पे वो कर दे रहे हैं। अबे चूतियों, क्या बोलूँ तुम लोगों को, मेरे से ज़्यादा प्यारा है क्या तुम्हें वो गाना? मेहनत लगता है गाना लिखने में, एक पोस्ट कर देने से गाना नहीं वो हो जाता है। और सुनो, तुम क्या लिखे थे वो जिसके बारे में बोल रहा हूँ, जो चमचा है, क्या लिखा था भाई तुम कि गाना पोस्ट किया था? अबे तुमको बोलता कौन है मेरा गाना पोस्ट करने के लिए? रे मत करो, तुम जो भाई हैं बहुत सारे भाई हैं सुनने के लिए हमारे गाने, ज़रूरत नहीं है तुमको पोस्ट करने की। ये फालतू का इल्ज़ाम किसी और को लगाना और किसी और को बढ़ाना, मुझे पता है तुम्हारी क्या औकात है, किसकी नज़र में क्या हो तुम, वो मुझे पता है। मुझे मत समझाना, दूसरों को सिखाना। देखा हूँ तुम्हारा बहुत लोगों का फ़ोन आया, प्रेजेंटेशन देखा हूँ तुम कितने खास बनते हो दूसरों के। तो वहीं तक रहो, खासियत हमें मत दिखाओ। और ये सब इल्ज़ाम उल्जाम वाला गेम खेलोगे तो अलग चीज़ होने लगेंगी। आ हो भी रही हैं तुम्हारे साथ, कितनों को ब्लॉक करोगे, कितनों का कमेंट डिलीट करोगे भाई? जो सही है वो सही लिखेगा ही, गाना तुमसे ज़्यादा कहीं हमारा है बाबू। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। और बाकी आप लोग ऐसे अफवाहों पे ध्यान न दें, हम कोशिश करेंगे आपको आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अलग और बेहतरीन लेके आते रहें हमेशा। बाकी ये सी टाइप लोग तो आते रहेंगे जीवन में और चलते रहेगा हमेशा ये सब। तो ये गाना 22 को आ रहा है, आप सबसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिएगा खेसारी भैया को, हमारी पूरी टीम को। और खेसारी भैया के साथ और भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं मेरे, सब गाने एक से एक होंगे। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी इन लोग के इल्ज़ाम लगाने से मेरा कुछ होने वाला है नहीं, सामने खड़ा होने की जिनकी औकात ना उनसे बात ही क्या किया जाए। बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे, ऐसे चुतिए तो जीवन में आते रहेंगे। सभी भाइयों को लव यू और थैंक यू कि आप लोगों ने सच्चाई का साथ दिया और आप सब ऐसे ही सच्चाई का ही साथ दें। और सबसे बड़ी बात कि मेरा जो YR म्यूजिक फैक्ट्री है वो पहले यादव राज इंटरटेनमेंट था जिसपे खेसारी भैया का ही न्यूज़ अपडेट होता था। तो भाई सिर्फ तेरे पास ये क्यों गया? इतने करीब 16,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसके, सबके पास स्क्रीनशॉट जाना चाहिए ना भाई। एक तो तेरे पास ही गया, बाकी लोग तो भाई यूट्यूब इतना नाइंसाफी थोड़ी करेगा, जितने लोग सब्सक्राइब किए होंगे सबके पास नोटिफिकेशन भेजेगा ना, एक तेरे पास ही भेजेगा। क्या बोलूँ तुझे, थोड़ा भी लाज होगा तो कहीं डूब के मर जाना। दोबारा खास बनने की कोशिश मत दिखाना कि मैं किसका खास हूँ किसका क्या हूँ, मुझे पता है औकात तेरी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो दूसरों को दिखाना। और बाकी सभी भाइयों को थैंक यू। इश्क 22 को आ रहा है, आप सब अपना प्यार आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। लव यू ऑल।